So good evening students, we are again with our new video that is types of cell organelle. Okay, तो आज हम start करेंगे कि बेटा cell के part कौन कौन से होते हैं और cell के क्या कौन कौन से cell organelle होते हैं. So without wasting time, please let's start. तो सबसे पहले मैंने आपको class में भी बता रखा है कि हमारी cell होती है and cell के अंदर हमारे 3 parts होते हैं. एक तो होता है हमारा cell wall, cell membrane and हमारा protoplasm. ओके फिर फर्दर हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, और बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है और उसमें जो सेल वॉल होती है, सो सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स. ओके, बाकी एनिमल सेल के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब मिलते हैं, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल भी आपकी मिलती है. और सेल वॉल जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट सेल की. ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि सेल के कितने पार्ट्स, 3, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म. क्लियर, तो न्यूक्लियस को मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. तो फर्दर अब हम आगे चलते हैं, तो न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. और बेटा देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, उस डिसकंटिन्यूअस लेयर के ऊपर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है. ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनली हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और आपका गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करते हैं. देखो, मैंने आपको बताया सेल, ठीक, सेल के 3 पार्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक हमारा न्यूक्लियोलस एंड हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, अब यही न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है बेटा, एंड प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग की एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, फिजिकल यूनिट होती है. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोटोप्लाज्म वी कैन डिसाइड दैट वेटर अ पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. अगर किसी भी थिंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, अगर किसी भी पर्टिकुलर हमारे लिविंग्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो वो क्या है, हमारा लिविंग है. अगर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो क्या है, हमारा नॉन लिविंग है. ओके, सो प्रोटोप्लाज्म इज अ बेसिक एंड फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग. क्लियर, तो उसके बाद अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनली. तो फर्दर बेटा सेल ऑर्गेनली जो होते हैं वो हमने पढ़ रखे हैं क्लास में भी. ठीक है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली एंड हमारा फाइब्रिलर सेल ऑर्गेनली. तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली का मतलब क्या होता है, कि जिसके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो, ऐसे ऑर्गेनली जहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली. क्लियर, नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी. एंड आपका आता है फाइब्रिलर सेल ऑर्गेनली. कुछ ऑर्गेनली ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब हमारे साइटोस्केलेटन, क्रोमोसोम, तो वो सब क्या होते हैं, फाइबर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको हमने डिवाइड कर दिया फाइब्रिलर सेल ऑर्गेनली. क्लियर, तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, तो बेटा अकॉर्डिंग टू द मेम्ब्रेन देयर मे बी द सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन. तो आपका जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है वो फर्दर आपका डिवाइड होता है यूनिट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली. यूनिट मतलब सिंगल सेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली जो होते हैं, ठीक है, एंड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली. डबल मेम्ब्रेनस मतलब होता है कि जिसके ऊपर डबल लेयर हो, ऐसा ऑर्गेनल या ऐसा ऑर्गेनली जिसके ऊपर क्या होती है, डबल लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली. अब हम पर्टिकुलर एक एक को करके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि एक एक सेल ऑर्गेनली के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आते हैं. ओके बेटा, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, या इनको हम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली भी बोलते हैं. तो नेम द सिंगल सेल ऑर्गेनली, फर्स्ट होता है आपका वोक्यूल्स, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है. सो दीज आर द यूनिट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली. उसके बाद हम देखते हैं बेटा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली,
ठीक है, तो वो होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बता रखा था, जब मैंने बाइफर्केट किए थे तो मैंने बताया था नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी आपको सिंगल लेयर डबल लेयर नहीं मिलेगी, इस तरीके के ऑर्गेनल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। तो यहाँ पे बेटा हमारे आते हैं राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, दीज आर टू नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। उसके बाद हम अपना स्टडी करेंगे फाइब्रिलर सेल ऑर्गेनली की, तो इसमें बेटा हमारे सीलिया एंड फ्लैजेला आते हैं, सेंट्रोसोम्स आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं एंड साइटोस्केलेटन आते हैं। सो आई होप अब आपको इतना पूरा आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो या इतना अच्छे से आप समझ गए होगे कि आपको पार्ट्स ऑफ जो सेल हैं वो पता चल गए हैं और कितने टाइप के सेल ऑर्गेनली होते हैं और उनमें से डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं और सिंगल मेम्ब्रेनस कौन से हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।